नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैश क्रेडिट लोन के बारे में, जिसको कि आप कई बार आप बोलते हैं हमारी बैंक से लिमिट चल रही है। इस तरह की जो बातें होती है वो कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में ही बात करी जाती है जनरली। मैं आज पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको एक एक चीज़। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिंग का हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसकी एक वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है। मतलब आप सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, ये ट्रेडिंग का हो गया। आप रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको प्रोसेस करवाते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, उसको मार्केट में बेचते हैं, फिर उससे पैसा आता है। यानी कि ये एक वर्किंग कैपिटल साइकिल एक नॉर्मल होती है। तो क्या होता है कि इस वर्किंग कैपिटल साइकिल को फाइनेंस करने के लिए आपको कैश क्रेडिट लिमिट दी जाती है। कैश क्रेडिट लिमिट को ओवरड्राफ्ट लिमिट भी कहा जाता है। एक्चुअली अगर यदि आप इसको देखें, वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन फॉर प्रोड्यूसिंग सेलिंग गुड्स। मतलब एक तरीके से आपके दिन, हर दिन के लिए जो डेली रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं ना आपके व्यापार में, उसको फाइनेंस किया जाता है आपकी कैश क्रेडिट लिमिट से। अब डेली रोज़मर्रा के खर्चे देखिए आपके कौन कौन से हो गए। आप वर्कर्स को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, छोटा मोटा लेबर वेजेस का काम करवा रहे हैं, और कुछ यूटिलिटीज़ बिल आ रहे हैं, ये आपके डेली के खर्चे हो गए। तो इनको फाइनेंस करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल बैंक से दी जाती है। टोटली वर्किंग कैपिटल करेंट एसेट्स को मैनेज करने के लिए जाती है, करेंट एसेट्स क्रिएट करने के लिए दी जाती है कि रॉ मटेरियल ख़रीदना है मुझे। अगर मेरी कोई किराना शॉप है तो मैं FMCG प्रोडक्ट ला के ख़रीद के अपनी शॉप पे रख रहा हूँ ताकि वो बिक जाए। टाइप्स ऑफ लोन मैंने कहा था ये ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है। टाइप्स ओवरड्राफ्ट का लिमिट का ये मतलब हो गया कि बैंक ने अगर आपको 10 लाख की लिमिट दे रखी है CC लिमिट, और आपने अगर उसमें से 5 लाख यूटिलाइज कर ली, फिर 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, 2 लाख यूटिलाइज कर ली, यानी कि कंटिन्यूस फ्लो है कि हर दिन आप पर सिर्फ ब्याज उसी अमाउंट पे लगेगा जो आपकी बैंक में आउटस्टैंडिंग है। अगर आपने मान के चलिए 10 लाख की कैश क्रेडिट लिमिट दी है लेकिन आपने यूज़ 1 ही लाख किया है, तो बैंक ब्याज 1 लाख रुपये पर ही लगाएगा, यानी कि 9 लाख रुपये पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसको, जितना कम आउटस्टैंडिंग होगी उतना कम आप पर ब्याज लगेगा। स्टॉक स्टेटमेंट, हर बैंक जहाँ भी आपकी कैश क्रेडिट लिमिट होती है वहाँ पर बैंक आपसे हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट मांगता है। स्टॉक स्टेटमेंट एक्चुअली आपकी जो करेंट वैल्यू है, आपका जो करेंट स्टॉक है आपके गोदाम में शॉप पर, उसको रिफ्लेक्ट करता है। बैंक क्या करता है कि आपको जो CC लिमिट दी है वो करेंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए दिए, डेब्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो ये सब रिकॉर्ड आप अपने एक स्टॉक स्टेटमेंट में बैंक को हर महीने देते हो। तो बैंक क्या है, इस पर आपका ड्राइंग पावर कैलकुलेट करता है कि भाई आपको कितनी लिमिट दी जाए। अब बैंक कहे कि यार हमने 10 लाख का फाइनेंस दे रखा लेकिन आपके पास स्टॉक तो 3 लाख का है, तो बैंक वहाँ पर बैंक आपको पेनल्टी भी लगा सकता है कि भाई 7 लाख का स्टॉक आपने क्या किया, क्योंकि बैंक ने अपना आपका मार्जिन काट के फिर फाइनेंस किया हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिए, कैश क्रेडिट लिमिट हमेशा 1 साल के लिए दी जाती है, हर साल इसको रिन्यू कर दिया जाता है। मतलब कैश क्रेडिट लिमिट अगर आपकी मार्च महीने में सेंक्शन हुई तो अगले मार्च महीने तक ही वैलिड है। रिन्यू करके इसलिए देखा जाता है कि आपने सब कुछ सिस्टमेटिक आपने किया है या नहीं किया। रीपेमेंट पर डे के हिसाब से, मतलब इसमें कोई मंथली रीपेमेंट नहीं होता, सिर्फ यह रहता है कि मंथ एंड में जो ब्याज लगा आप पर, क्योंकि पूरे महीने का ब्याज कैलकुलेट करके मंथ एंड में लगता है, तो अगले 30 दिन के अंदर उतना क्रेडिट आपकी CC लिमिट में आ जाना चाहिए। अगर उतना क्रेडिट नहीं आता CC लिमिट में तो आप पर DPD चढ़ती जाएगी, मतलब आपका सिविल स्कोर ख़राब होता जाएगा। 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर आपका अकाउंट NP हो जाएगा। अगर आप इसमें रेगुलर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना बिज़नेस के, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है इंटरेस्ट। वर्किंग कैपिटल देखिए दो तरीके पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ बिजनेस और सीजनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। देखो, एक तो क्या रहता है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है। दूसरा सीजनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, देखो कई चीज़ें, कई इंडस्ट्री सीजनेबल होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री वो सीजनेबल है कि भाई वो गर्मियों में ही चलेगी, ऊन की इंडस्ट्री वो सीजनेबल है कि भाई ठंडों में ही ये माल बिकेगा और कहीं।
छातों की इंडस्ट्री कि बोले यार बरसात के 2-3 महीने जो रहते हैं उसी दौरान अपनी बिक्री होगी। एग्जाम्पल जैसे मैंने बता ही दिया था, कोल्ड ड्रिंक सिर्फ गर्मियों में ही बिकता है, अप्रैल मई जून जुलाई में मैक्सिमम 90% सेल इन्हीं 4 महीनों में होती है। सिक्योरिटी देखो, अगर आपका लोन 10 लाख से कम है चाहे किसी भी बैंक में हो, उस पर बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं मांगता, क्योंकि 10 लाख से नीचे वाले सारे लोन मुद्रा लोन में कवर हो जाते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि 10 लाख से नीचे के लोन पर आप किसी से सिक्योरिटी नहीं मांग सकते। 10 लाख से ज़्यादा का लोन अगर आप बैंक से लेने जाएंगे तो बैंक आपसे कोलैटरल प्रॉपर्टी मांग सकता है कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारी कनेक्टिंग डॉट्स कंसल्टेंसी फर्म है, जिसमें हम लोन प्रोवाइड्स करते हैं बिजनेसमैन्स को और पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करते हैं। हम ये बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपकी फाइल हमारे द्वारा लगती है तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपकी पहले प्रोफाइल को पढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं कि किस बैंक की पॉलिसी में ये प्रोफाइल सूट कर रही है। हम फिर उस बैंक में आपकी फ़ाइल लगाते हैं डिजिटली और आपकी लिमिट सैंक्शन हो जाती है। हम पिछले 5 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और हमारा YouTube चैनल आप देख ही सकते हैं। इंश्योरेंस देखो, बैंक आपके स्टॉक का इंश्योरेंस करवा के रखता है, यानी कि आपको कंपलसरी स्टॉक का इंश्योरेंस करना, लेकिन जो प्रोपराइटर है प्रमोटर है उसका इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। अगर प्रोपराइटर चाहे तो वो करवा सकता है इंश्योरेंस, बाकी अगर वो इंसिस्ट करे कि नहीं करवाना खुद का इंश्योरेंस तो ठीक है, लेकिन स्टॉक का तो ज़रूरी है। सिविल स्कोर देखो, अगर यदि आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चाहते हो, बैंकों से चाहते हो, तो आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर तो होना ही चाहिए। तो किसी तरह का कोई डिफॉल्ट, रिटर्न ऑफ या सूट फाइल केस आपके अगेंस्ट ना हो। करेंट रेशियो आपका जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी 1 से कम है तो थोड़ी चिंता की बात है, 1.5 से 3 तक है तो गुड है, और 3 से अच्छा है तो बहुत अच्छा है। अगर 3 से ज़्यादा आपका करेंट रेशियो तो कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए मना कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्शन, बैंक रेगुलरली आपका स्टॉक इंस्पेक्शन करेगा, अगर आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी है तो उसका इंस्पेक्शन करेगा, जो मंथली भी हो सकता है क्वार्टरली भी हो सकता है, और आप उस चीज़ के लिए बैंक को मना भी नहीं कर सकते, और बैंक चाहे तो वो थोड़ा बहुत चार्ज आपसे वसूल सकता है। अब बिजनेस लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, देखिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन अगर 3 साल पुराना हो तो आपको कोई भी बैंक लोन दे देगा। 3 साल के ITR रिटर्न हो, प्रोपराइटर का पैन कार्ड आधार कार्ड हो, अगर पार्टनर है तो उनका भी आधार कार्ड पैन कार्ड हो, अगर कोई कंपनी है तो उसके डायरेक्टर का भी पैन कार्ड आधार कार्ड दें, पिछले 1 साल के अकाउंट स्टेटमेंट, लेटेस्ट फोटो, वाइफ या मदर का पैन कार्ड आधार कार्ड, एक यूटिलिटी बिल जो फर्म के नाम से हो, और होम या शॉप ओनरशिप प्रूफ होना चाहिए ताकि बैंक आपको लोन दे पाए। अब बात करते हैं अप्रेजल और असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे करा जाता है, बैंक कैसे ये पता लगाएगा भाई कि आपको कितनी कैश क्रेडिट लिमिट की आवश्यकता है। इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका टर्नओवर 100 करोड़ का है, 100 लाख 1 करोड़ का मान लो 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो बैंक ये मानता है कि आपको 25 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक क्या करता है भाई, 25 लाख में से 20 लाख बैंक फाइनेंस करेगा, 5 लाख आपको लाने पड़ेंगे, तो बैंक आपकी लिमिट सेट कर देता है 20 लाख। अब 20 लाख सेट कर देता है तो ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है, पहले मैं आपको और बता दूं ऑपरेटिंग साइकिल का ये मतलब हो गया भैया जहाँ से शुरू हुए वहाँ तक आना। जैसे मान के चलो आपकी प्लास्टिक के बाल्टियाँ बनाने की थैली है, तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कहाँ से शुरू होगी कि आपने पेमेंट दिया रॉ मटेरियल सप्लायर को, उन्होंने आपको रॉ मटेरियल दिया 15 दिन में, फिर आपकी फैक्ट्री में आया 5 दिन प्रोसेस होने में लगे, फिर आपने जो फिनिश प्रोडक्ट है वो रिटेलर को पहुंचाया, रिटेलर ने 30 दिन का बाद आपको पेमेंट किया, तो ये जो पूरी साइकिल बनती है इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। तो मतलब यानी कि इस पूरे में कम से कम 30-35-40 दिन ऐसी ऑपरेटिंग साइकिल आपकी हो सकती है। अब बात करते हैं उस पर कैसे, मान के चलिए कोई फर्म है, कोई रिटेल शॉप है, उसकी मंथली जो सेल्स है वो 20,000 है, रॉ मटेरियल वो 15,000 के खरीदता है, और अदर एक्सपेंसेस 3,000। अब उस फैक्ट्री के अंदर 15,000 के रॉ मटेरियल खरीदा हुए हैं, 3,000 के हुए, टोटल एक्सपेंस 18,000 के हुए। तो अब मान के चलो जो ऑपरेटिंग साइकिल जो पहले थी, हमने उसकी ऑपरेटिंग साइकिल निकाली 35 दिन की,
ये खर्चे थे 30 दिन के। 30 दिन में आपको अगर यदि 18,000 का खर्चा आ रहा है तो 18,000 के प्रोपोर्शनेटली अगर मैं 35 दिन का देखूंगा तो 21,000 मेरी वर्किंग कैपिटल बैठेगी। मतलब मुझे प्लास्टिक की फैक्ट्री चलाने के लिए, बाल्टी चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल 21,000 की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर से बैंक अपना आपका मार्जिन हटा के फाइनेंस कर देगा आपको 80%। फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो पर्सनल और बिजनेस लोन सोर्स करके। आप कोई भी फाइल अगर सोर्स करते हो तो हम उस पर आपको 1% कमीशन देते हैं। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस लोन की फाइल हमें सोर्स करके दी, जिसको 50 लाख का बिजनेस हमने अगर लिमिट कराई, तो आपको 50,000 का हम कमीशन अगले दिन ही दे देते हैं जिस दिन लिमिट डिसबर्स होती है। आज की डेट में कनेक्टिंग डॉट से हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ आपको ऊपर वाले व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना है और हमारे कनेक्टिंग डॉट्स व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।